इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा। आपको पता है जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे तब उस टाइम डेनोशुशुश नाम का एक क्रोकोडाइल होता था मगरमच्छ, जो कि डायनासोर्स को एकदम फिल्मी अंदाज में खा लेता था, खच करके, मतलब पानी से निकल के वो क्रोकोडाइल डायनासोर्स को खा लेता था। इन्हें डायनोशुशुश कहते थे और ये 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पहले की बात है। जब हम कोई कैंडल को जलाते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ऐसा दिखता है कैंडल। बट क्या आपको पता है कि अगर आप स्पेस में कैंडल को जलाओगे तब उसका जो कलर है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लूइश टाइप का। जी हाँ, जीरो ग्रेविटी यानी जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है स्पेस, वहाँ पे अगर हम लोग कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशन बना के इसको जलाएं, कैंडल को जलाएं, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा ब्लू कलर का। आपको पता है पूरे एशिया, ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है हमारा, इतने सारे देश है इसमें, पूरे एशिया का सबसे पहला स्ट्रीट लाइट जो है वो इंडिया के बेंगलुरु में लगा था। 5 अगस्त 1905 में बेंगलुरु में एशिया का सबसे पहला स्ट्रीट लाइट लगा था, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। मतलब एशिया का सबसे पहला स्ट्रीट लाइट इंडिया में लगा था, पहला इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट। आपने लाफिंग गैस के बारे में सुना है? लाफिंग गैस मतलब वो गैस जिस जो इनहेल करने के बाद लोग हंसने लगते हैं, वो अब मतलब इंसान कैसा भी मूड में उसको हंसी आने लगती है लाफिंग गैस के बाद। और असल में इस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, एंड जब ये बॉडी में जाता है तो वो बॉडी के रिएक्शन टाइम को कम कर देता है, और इससे रिएक्शन टाइम कम होने से नशा, यूफोरिक फीलिंग जैसा कुछ होने लगता है। आपको पता है जिस तरह इंसानों का कब्रिस्तान होता है वैसे ही एरोप्लेन्स का भी कब्रिस्तान होता है। इसे एयरक्राफ्ट बोन यार्ड या फिर एयरक्राफ्ट का ग्रेवयार्ड कहते हैं। एंड जो एरोप्लेन्स सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, जो बहुत पुराने हो जाते हैं, उनको यहाँ रखा जाता है एयरक्राफ्ट बोन यार्ड। और दुनिया भर में बहुत सारे बोन यार्ड्स हैं, बट सबसे बड़ा मौजूद है अमेरिका में डेविस माउंटेन एयरफोर्स बेस। ये सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट का कब्रिस्तान है। आपको पता है इंडिया पूरे भारत का सबसे लंबा एयर प्यूरिफायर कौन सा है? देखो चंडीगढ़ में ये मौजूद एक बिल्डिंग आप जो देख रहे हो, ये असल में एयर प्यूरिफायर है। जी हाँ, ये शहर के पूरे हवा को प्यूरिफाई करता है, और जहाँ ये मौजूद है उससे 1 किलोमीटर तक के रेडियस के हवा को ये प्यूरिफाई कर सकता है। ये पूरे कंट्री का सबसे टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर है, 24 मीटर इसकी हाइट है, और 3 करोड़ क्यूबिक फीट हवा सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ये क्लीन कर सकता है। अफ्रीका के कुनैन प्रांत में रहने वाले हिम्बा, जो हिम्बा जनजाति है, उसमें जो लेडीज होती है, जो औरत होती है, वहाँ के एक प्रथा, वहाँ के एक बिलीफ के हिसाब से वहाँ नहाया नहीं जाता है। तो लेडीज सिर्फ पूरे जिंदगी में अपने शादी के दिन ही नहाती है, एंड बाकी दिन कोई दिन नहीं नहाती है। बट ऐसा क्यों, इसका क्या रीज़न है? असल में क्या है कि हिम्बा जनजाति की जो औरतें हैं वो यूज़ करती है एक स्पेशल पेस्ट, एंड वो पेस्ट इनके बॉडी के जर्म्स को मार देता है, एंड इससे क्या होता है कि बॉडी गंदा भी नहीं रहता। और इनका जो मान्यता है, जो ऑफकोर्स उस जगह के सारे लोग उस मान्यता की रेस्पेक्ट करते हैं, वो लोग का काम भी हो जाता है, मान्यता भी मान लेते हैं और पेस्ट के जरिए क्लीन भी कर लेते हैं। कुत्ते किस लिए जाने जाते हैं? कुत्ते जाने जाते हैं भौंकने के लिए, हर किसी को पता है। बट क्या आपको पता है ऐसे कई डॉग के स्पीसीज हैं जो कि बार्कलेस होते, जो भौंकते ही नहीं है। जी हाँ, कुत्ता होके भी बेसिक काम नहीं करते, भौंकते नहीं। असल में बहुत सारे डॉग्स हैं, बट सबसे पॉपुलर ये है बसंजी, और इसे बार्कलेस डॉग भी कहा जाता है। ये कम्प्लीटली म्यूट नहीं होते, मतलब आवाज निकालते हैं लेकिन भौंकने वाला नहीं, करके करके और नॉइज निकालते हैं। ये कितनी अमेजिंग बात है ना, शायद मैं इसको पहले बताया हूँ बट फिर से बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज को जहाज, शिप से ट्रांसफर करते हो तो उसको कार्गो कहते हैं। कार है उसमें, कार्गो, कार वर्ड आता है उसमें, कार लगता है कार जा रहा है, और वही आप कुछ सामान कार में रखोगे तो टेक्निकली उसे शिपमेंट कहते हैं कि हाँ मैं उसे एक जगह से दूसरे जगह शिपमेंट कर रहा हूँ। कार वाले में शिप वर्ड आता है, एंड जब कुछ जहाज से आता है तो कार्गो शिप, तो उसमें कार आता है। कितनी अजीब बात है ना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइम्स में जब लड़ाई झगड़ा होता है देशों के बीच, तब पता है जो ताजमहल है वो तो बहुत कुछ फेस किया है, इतने साल पहले से वो कितने जंग को फेस करते आ रहा है। तो जब जंग होता है तो उसमें तो ताजमहल भी रिस्क पे रहता है दुश्मनों से, तो इसी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये इमेज देखो। ये तब का इमेज है जब ये बांस खुल रहा था,
बट बांस जो है ना, ये पूरे बांस से ताजमहल को कवर कर दिया जाता था पहले, ताकि ऊपर से जहाज से दुश्मन उस पर हमला पहचानने में दिक्कत हो, हमला जल्दी ना कर पाए। और ऐसे कहा जाता है कि पूरे ताजमहल को ही कवर कर दिया जाता है। एंड ये खुलने का पिक है, इसलिए आप इसमें देख पा रहे हो कि सिर्फ इसका जो ऊपर वाला डोम शेप्ड का जो ये है, यही कवर्ड है। बट ऐसा होता था ताजमहल के साथ, उसको बचाने के लिए, उसको कामोफ्लाज, उसको गायब कर देने के लिए, जल्दी लोकेट नहीं कर पाए दुश्मन ऊपर से, इस कुछ ऐसा किया जाता था। टूटे हुए कांच से क्या कोई आर्ट बना सकता है? मतलब एक कांच है, उसको कोई मार के तोड़ दिया, ब्रेक हो गया, तो उस टूटे हुए कांच से क्या आप कुछ बना सकते हो? या फिर तोड़ के ऐसा इस तरह से तोड़ो कि वो कुछ बन जाए, ऐसा भी आर्ट मौजूद है। एंड देखो, साइमन बर्जर नाम के एक व्यक्ति हैं, एंड ये लिटरली टूटे हुए कांच से आर्ट बनाते हैं। मतलब टूटे हुए कांच से किसी का चेहरा बना देंगे, टूटे हुए कांच से कोई घोड़ा बना देंगे। असल में ये एक हैमर लेते हैं और ग्लास को तोड़ते हैं, और तोड़ तोड़ के ऐसा बना देंगे कि उसमें आपको चेहरा दिखेगा, बिल्कुल इस तरह जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये दुनिया के सबसे यूनिक आर्ट्स में से एक है। लेक मिशिगन के बारे में आप तो आपने सुना ही होगा। लेक मिशिगन वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर लेक में से एक है। लेक मिशिगन के साथ साल 2015 में एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई थी कि उसमें एक जहाज डूबा था, एंड लिटरली वो ऊपर से पूरा साफ साफ दिख रहा था, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। क्या कि बर्फ जमी हुई थी इस लेक पे, पूरा लेक बर्फ था, एंड जब वो बर्फ पिघला तो पानी इतना क्लियर था कि वो नीचे जो जहाज है वो दिख रहा था। इसके ऊपर आप कई आर्टिकल्स भी देख सकते हो कि जब लेक मिशिगन इतना क्लियर था, जो शिपरेक्स है वो ऊपर से दिख रहे थे एकदम साफ साफ, 300 फीट अंदर। किसी भी भूतिया मूवी में जो आप कैरेक्टर्स देखते हो ना कि भूत बन के आए हैं, असल में इनको बनाने में भी बहुत मेहनत है। मतलब लगातार 30 दिन तक उनको 4-5 घंटे एक जगह बैठ के मेकअप करना पड़ता है भूत बनने के लिए। तो देखो, ये आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, 2001 की एक मूवी थी हैनिबल, उसमें गैरी ओल्डमैन एक्टिंग किए थे एंड ऐसे से ऐसे बने थे, एंड 4-5 घंटे मेकअप होता है एक जन का, एंड तब जाके एकदम वो फील आता है। एंड ज़्यादातर ये सब चीज़ें जो हैं, ये ऐसा बनना, वो सब मेकअप के थ्रू ही अचीव की जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि बॉडी में कॉस्ट्यूम पहन लिया, ऐसा कुछ है ऊपर से कपड़ा या कॉस्ट्यूम है, बट कॉस्ट्यूम जो है वो पुराने मूवीज़ में होता था, 1980s, 1970s, 1960s में। अभी के ज़माने में बॉडी के स्किन के ऊपर ही मेकअप के थ्रू ऐसा ज़्यादातर किया जाता है, और उसी का आप एक एग्जांपल ये देख सकते हो मूवीज़ में कैसे भूत बना जाता है। ये फोटो कुछ दिन पहले रेडिट पे बहुत चली थी, क्या कि फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जब बाढ़ आई थी, तब क्या हुआ था कि पूरा शहर ऑलमोस्ट पानी से डूब गया था। एंड ये देखो, रोड का थोड़ा सा ये पार्ट दिख रहा है, और रेल लाइन जो है उस पर कैसे ट्रेन चल रही है पानी के ऊपर ही, और रेल ट्रैक जो है वो ऊपर था इसलिए ये विजिबल था, बाकी पानी चारों तरफ है। फ्रिजियन हॉर्स नाम का आप एक हॉर्स का प्रजाति यहाँ देख सकते हो, एंड ये पूरे दुनिया के सबसे यूनिक दिखने वाले हॉर्स के प्रजाति में से एक है, और ये ज़्यादातर नीदरलैंड्स में पाए जाते हैं। ओल्डेस्ट स्पीसीज की बात करें तो पता है, जितना भी आजकल आप पेड़ देख रहे हो, ये ऐसा नहीं कि डायनासोर के युग से ही थे, बहुत सारे नए नए स्पीसीज उत्पन्न होते हैं। बट एक ऐसा ट्री है ना जो कि डायनासोर के टाइम में भी था वो प्रजाति, वो स्पीसीज, और अभी भी है, वो कौन सा है? वो है गिंगको बिलोबा। ये जो ट्री का प्रजाति आप देख रहे हो, ये आज से करोड़ों साल पहले भी पाया जाता था, एंड आज भी इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, एंड ये 20 करोड़ साल पहले भी एग्जिस्ट करता था, एंड आज भी इसका कहीं कहीं दिखता है पेड़। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, यही है गिंगको बिलोबा, एंड ये ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीसीज है पूरे दुनिया में। और डायनासोर जब धरती पे नहीं आए थे, डायनासोर भी धरती पे नहीं थे, तब से ये पेड़ चला आ रहा है, ये प्रजाति चला आ रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। मतलब डायनासोर्स के टाइम से भी पहले की बात है। जूनियर फ्रिट्ज जैकवेट, ये एक आर्टिस्ट है, एंड ये पेपर से आर्ट बनाते हैं। आपको पता है, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई कार्डबोर्ड या पेपर लेके उसको इस तरह से शेप में ढालना कि ये ऐसे एक गुस्सैले या फिर इरिटेटेड या फिर ऐसे अजीब से एक्सप्रेशन बना रहे चेहरे ऐसा दिख रहा है, ये शायद बहुत लोग कर पाएंगे अगर ऐसा ट्राई करेंगे उसको ऐसे दाब दाब के करने का, बट ये बहुत मुश्किल है। देखने में सिंपल लग रहा है बट एक एक को बनाने में घंटों लग जाते हैं। टॉयलेट पेपर रोल आर्ट, इसको टॉयलेट पेपर रोल आर्ट कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो।
कुछ दिन पहले क्रिप्टो पे बहुत चर्चा हो रही थी अचानक से, और ये न्यूज फैल रही थी कि क्रिप्टो बैन होगा वगैरह वगैरह। बट असल में रियल न्यूज ये थी कि गवर्नमेंट जो है वो रीड्राफ्ट कर रही है बिल को, एंड रेगुलेशंस लाएगी क्रिप्टो के ऊपर, ना कि स्ट्रेट ब्लैंकेट बैन हो जाएगा। ऐसी कोई खबर नहीं है, जैसा कि बहुत अनवेरिफाइड सोर्सेस फैला रहे हैं। एंड ये चीज क्रिप्टो के वर्ल्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि ये जो रेगुलेशंस आएगी ये अच्छी बात है, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए क्रिप्टो के ऊपर सबके लिए। तो रेगुलेशंस आएगी, ना कि सिंपल ब्लैंकेट बैन, रियल बात ये है। इसलिए आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हो, एंड जो नए लोग हैं जो करना चाह रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्ट, वो कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आप कॉइन स्विच कुबेर का यूज कर सकते हो। कॉइन स्विच इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप 80 से भी ज्यादा डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप सिर्फ ₹100 से शुरुआत कर सकते हो। एंड कॉइन स्विच इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे 1.4 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स को हाइप्ड न्यूज से अफेक्ट मत होने देना। अगर आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से साइन अप करोगे तो आपको ₹50 वर्थ बिटकॉइंस एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। सो चेक आउट द वीडियो डिस्क्रिप्शन और डाउनलोड करो कॉइन स्विच कुबेर ऐप, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। क्या आपको पता है कि चाइना में एक फ्लोटिंग ब्रिज मौजूद है? इसके बारे में क्या आपने कभी सुना है? ह्यूबेई प्रोविंस चाइना में ये मौजूद है, एंड ये 500 मीटर लंबा एक फ्लोटिंग वॉकवे है, जिसके आसपास फॉरेस्ट है, वैलीज है। एंड ये लिटरली क्या है कि जब गाड़ी इस पे चलती है तो वो ऐसे झुक जाता है एंड पानी को टच कर जाता है, एंड पानी पे ऐसे वेव बनाते हुए चलता है। ये ब्रिज वर्ल्ड के सबसे यूनिक ब्रिजेस में से एक है। मुझे ना ब्रिजेस बहुत फैसिनेट करते हैं, मतलब इतने पानी में वो लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं और कितना लंबा लंबा ब्रिज बना देते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि इस पूरे धरती का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है। बहुत सारे ब्रिजेस 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर लंबे होते हैं, बने हुए 50-50 किलोमीटर लंबे ब्रिज होते हैं जो कि पानी में बने होते हैं। कितना अमेजिंग बात है ना। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज जो है पूरे धरती का, वो है चाइना में मौजूद डैनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज। एंड ये 164.8 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, एंड ये ऑफिशियली वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है, 164 किलोमीटर। ये जो आप मछली का जो पिक देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, ये आपको पता है ये बहुत ही यूनिक सा पिक्चर है, क्योंकि इसमें जो ये कैट फिश है, इस जो आप देख रहे हो इसके हाथ में, ये है कैट फिश की प्रजाति। एंड इसका जो कलर है ये बहुत ही ऑड कलर है, क्योंकि छोटे मछलियों में तो ऐसा कलर होता है, लेकिन कॉमनली लेक्स में और नॉर्मल पॉन्ड्स में ऐसे मछली वो भी ऐसे कलर की नहीं पाई जाती है। तो लाइव साइंस और बहुत सारे साइंस वेबसाइट्स में इसके बारे में पोस्ट किया गया था कि इस मछली को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे ल्यूसिज्म कहते हैं, एंड इसलिए ये बनाना कलर की हो गई है, पीले कलर की, मतलब डिसऑर्डर के चलते ऐसी कलर है, नहीं तो नॉर्मल जो मछली का कलर है वही था इसका। एक बहुत ही फनी और यूनिक सा फैक्ट है, मेरे लिए तो सबसे मजेदार है, कि एक सुपर हीरो है जिसका नाम है नॉर्मल मैन। एंड जो ये नॉर्मल मैन जो सुपर हीरो कैरेक्टर है, ये क्या है ना, बहुत यूनिक सा कंसेप्ट है। इसका जो कॉमिक है, वो जो पूरा यूनिवर्स है, उसमें ये होता है ना कि ये जहाँ रहता है नॉर्मल मैन, उस यूनिवर्स में सबके पास सुपर पावर्स है, इसको छोड़ के इसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, ये हमारे और आपके जैसा है नॉर्मल मैन। तो ये एक सुपर हीरो इसीलिए है क्योंकि ये एक ऐसे दुनिया में रहता है जहाँ पे सबके पास कुछ ना कुछ पावर्स है, बट इसके पास नहीं है, इन एंड ये नॉर्मली जिंदगी को बिता सकता है। तो उन सो कॉल्ड सुपर हीरोज के लिए जिसके पास पावर है, उन भीड़ भाड़ लोग के लिए ये नॉर्मल इंसान ही सुपर हीरो है, क्योंकि ये नॉर्मल है। हमारी दुनिया में सब नॉर्मल है, इसलिए किसी के पास पावर है तो ये यूनिक है, हमारा अटेंशन जाता है उसके ऊपर। वैसे ही जिस वर्ल्ड में, जिस पैरेलल यूनिवर्स में भी बहुत सारे सुपर हीरोज मौजूद हैं, उसमें नॉर्मल इंसान खास होगा सुपर हीरोज के लिए। एंड इसी कंसेप्ट के साथ बना नॉर्मल मैन, एंड ये रियली में एक सुपर हीरो कैरेक्टर है नॉर्मल मैन। कीड़ों मकोड़ों और जितने भी प्राणीज है, सबके चलते इंसानों की मौत होती है, आपको पता ही होगा। मच्छर के चलते इंसान की मौत हो जाती है, सांप के चलते, और बहुत कोई है। तो जितने एनिमल्स है, उसमें से सबसे डेडलीस्ट कौन सा है, मतलब जितने भी प्राणीज है उसमें से सबसे ज्यादा इंसान के मौत का कारण कौन सा है? तो देखो विकिपीडिया का एक लिस्ट, सबसे डेडलीस्ट जो इंसान के लिए हुआ है वो है नंबर 1 पे, ये मच्छर लोग आते हैं, मॉस्किटोज। एंड सेकंड नंबर पे है वो जो इंसान एक दूसरे को मारता है, वो अलग कहानी है। बट जैसे कि आप देख सकते हो जानवरों के मामले में थर्ड पे है स्नेक्स,
ऑफ कोर्स सांप तो होंगे ही, मच्छर के बाद सांप ही है। उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर पे कुत्ते, उसके बाद सेट से फ्लाइज, उसके बाद एरेसिन बग्स, फ्रेश वाटर स्नेल्स, स्कॉर्पियंस, बिच्छू, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स। मैंने आपको बहुत अमेजिंग कला आर्ट के बारे में बताया, बट एक सबसे यूनिक आर्ट है, बट एक बहुत ही यूनिक आर्ट जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, वो है शैडो आर्ट। इसे शैडोलॉजी भी कहते हैं एंड पूरे दुनिया में विंसेंट बेल नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि इसको ज्यादातर करते हैं। एंड ये एक बहुत ही गजब तरह का आर्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, पेंटिंग को बना दिया जाता है एंड उसको ऐसे बनाया जाता है ताकि शैडो से उसको कंप्लीट किया जा सके। किसी भी चीज के शैडो से, किसी भी चीज के शैडो को देख लिया जाता है एंड पेंटिंग बना दिया जाता है। एंड देखो बिफोर आफ्टर कैसा दिखता है, मतलब ये ब्लैंक पेंटिंग है बट ऐसे मुड़े माड़े, जैसे ये एक यूएसबी केबल है उसको ऐसे रखें तो काइंड ऑफ ये पेंटिंग कंप्लीट हो जा रहा है। एंड आप जैसा कि इस इमेज में देखो, कुत्ता का पेंटिंग बना हुआ है लेकिन छोड़ दिया गया है। एंड जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाता है, क्लिप या किसी भी चीज को, तो उसका जो शैडो होता है उससे ये कंप्लीट हो जाता है। एंड ये बहुत ही अमेजिंग है, मतलब ये सब करने से ना दिमाग खुलता है, दिमाग ओपन होता है। एंड बहुत तरह के शैडो आर्ट होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोड़ मार के रख दो या फिर ऐसे स्ट्रक्चर में रख दो, जैसे कि आप इस इमेज में देखो, अब ये देखने में लग रहा है इंसान खड़ा है। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये ऐसे एक नॉर्मल मुड़ा मुड़ा लोहे से बना एक नॉर्मल सा एक चिपका दिया गया है एंड इसका जो शैडो है वो लग रहा है किसी गर्ल का है। तो इसको कहते हैं शैडो आर्ट। और फ्रेंड्स, कॉइन स्विच कुबेर ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। और आप कॉइन स्विच कुबेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और नॉलेज गेन कर सकते हो एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रह सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर भी जरूर करना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।